हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने फिर से एक नया आइडिया लेके आई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मैंने नेक्स्ट वीडियो में ये डिज़ाइन आपको बनाना सिखाया है। अब हम इसी डिज़ाइन का यूज करना बताएंगे। तो ये मैंने पिल्लो कवर के लिए ये डिज़ाइन सोचा हुआ था। तो ये देखिए, ये मेरा डिज़ाइन हो गया। अब ये क्या करेंगे, अब हमने इस 2-2 इंच की ये लंबी लंबी स्टेप पट्टी काट ली है। तो अब क्या करेंगे, हमें बारी बारी से पट्टी जोड़नी है। तो ये मैंने, आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से पट्टी लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मेरी ये पट्टी 16 इंच की मैंने काटी हुई है। तो ये 2 पट्टी मेरी 16 इंच की हो गई है, 16 इंच की इधर, और ये जो पट्टी है ये मेरी 19 इंच की है। दो दो इंच की इनकी चौड़ाई है और लंबाई इस वाली पट्टी की 19 इंच है। तो ये देखिए, बाद में जो भी होगा हम उसको कट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए ये देखिए, ये इस तरीके से हमें इसको तैयार करना है। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स। तो इसको मैं अभी तैयार करके दिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, ये चीज़ हो गई। ऐसे ही हमने सेम कपड़ा लिया है, आप चाहे तो मैचिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मेरे पास यही था तो मैंने यही ले लिया। तो ये मैंने इसी डिज़ाइन के हिसाब से इतना कपड़ा कट किया हुआ है। तो ये हम पीछे का फ्रंट कवर बनाएंगे, सॉरी बैक कवर बनाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने 2 मैचिंग रील ली हैं और एक मैंने ये जिप ली है पीछे अटैच करने के लिए। एक मैंने ये फोम इसका इस्तेमाल किया फ्रेंड्स, शॉपिंग बैग का। तो ये मैंने इसी के हिसाब से शॉपिंग बैग छोटा पड़ रहा था तो मैंने इसमें जॉइंट कर लिया। तो एक ये हो गया, एक ये हमारा पुराना कपड़ा है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मेरा पुराना कपड़ा है तो इसको मैं इस कपड़े के अंदर लगाऊंगी। तो ये भी हो गया फ्रेंड्स, हमारी सारी ज़रूरत की चीज़ें हमने सब ले ली हैं। तो अब हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप, पहले सबसे पहले हम इन पट्टियों को इसके साथ जॉइंट कर लेते हैं। तो मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पट्टियाँ जोड़ ली हैं और मैंने फिनिशिंग से इस पर प्रेस कर लिया है ताकि हमारे इस कपड़े पर कोई भी सलवट ना रहे। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले जो हमें इसके अंदर कपड़ा लगाना है उसे बिछाएंगे। तो ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा हुआ था फ्रेंड्स, पुराना कपड़ा है तो इसका भी हम यूज कर रहे हैं साथ के साथ। तो ये मैंने बिछा लिया। अब क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ये शॉपिंग बैग की ये रखेंगे। तो ये भी हमने बिछा लिया फ्रेंड्स, ये देखिए। अब इसके ऊपर हम ये रखेंगे। तो हमारा ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको धीरे धीरे सारी जगह से पिनअप कर लेते हैं। पिनअप करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें धगे रील की सिलाई से इस डिज़ाइन को भरेंगे ताकि हमारा एकदम नेचुरल लगे। तो मैं पहले पिनअप कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। और जो भी मेरा ये एक्स्ट्रा है इसको भी मैं साइड साइड से कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सारे में ये पिनअप कर लिया है, ये पिन लगा ली है। अब हमें क्या करना है, हमने इस कपड़े को अच्छी तरीके से खींच खींच के लिया था फ्रेंड, ताकि इसमें जब हम इसमें डिज़ाइन बनाएं तो ये हमारा सुकड़े ना और हमारा डिज़ाइन ठीक से आए। तो आप चाहे तो इसमें, जैसे हम पोंचे बनाते हैं सलवार के, उसमें डिज़ाइन घेरते हैं, आप चाहे तो ऐसा डिज़ाइन घेर लीजिए। मैचिंग रिंग से घेरिएगा फ्रेंड्स। जैसे ये येलो है तो आप यहाँ येलो उसका इस्तेमाल कीजिएगा, और ये जो पिंक है तो आप यहाँ पिंक का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर बदल के भी करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ सीधी सीधी लाइनें लगाएंगे, हर डब्बे पे ऐसे लाइन लाइन लगा देंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डिज़ाइन डाल लिया है। अब देखिए, अभी हमारा एक थिक कपड़ा बन गया है। अभी हमारा डिज़ाइन, अब हम चाहे कितनी बार भी इसको वॉश करें ये ख़राब नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमारा ये फ्रंट कवर तैयार हो गया है। अब हमें पीछे के लिए कपड़ा चाहिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, हमने ये कपड़ा ले लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम बीच में से इसको कट करेंगे ताकि हम इसको जिप को जोड़ सकें। तो हम पहले कट कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बीच में से कट कर लिया है। हम ऐसे नहीं, हम ऐसे जोड़ेंगे। तो हमें ये यहाँ रख के ऐसे इस पट्टी को इस जिप के ऊपर सिलना है। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये जिप हो गई है। अब क्या करेंगे, अपने 2.5 इंच की पट्टी ली है, अब हम यहाँ इसके ऊपर से इसको सिल देंगे। ये हमने 2.5 इंच की पट्टी ली है फ्रेंड्स। तो अब हम इसको
सिल देंगे। सिलने के बाद फिर मैं आगे का दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सिल ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके ऊपर पलटेंगे और यहाँ से जो हमारा पूरी जो हमारी लेंथ है उसको हमने इस तरीके से कर लिया है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इसको यहाँ से इसको सिलना है, हमें ये जिप यहाँ सिलनी है फ्रेंड। तो मैं आपको पहले पिनअप कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर हम सिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पिनअप कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से सिल देंगे और सिलने के बाद हम यहाँ से ऐसे हमारा जिप आ जाएगी। और जो ये जो हमारा है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से फोल्ड करके इसको यहाँ से बाद में सिलेंगे। तो पहले हम उसको इस जिप को जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी इधर से भी जिप जुड़ गई है। अब ये जो जो कपड़ा है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से, ये मेरी किनारी वाली पट्टी है फ्रेंड्स। तो ये किनारी वाली, आप अगर आप किनारी वाली पट्टी लेते हो तो अच्छी बात है, वरना आप इसको ऐसे डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से करना है फिर। तो हम क्या करेंगे, हमारी किनारी वाली पट्टी है तो हम इसको सिर्फ एक ही फोल्ड करेंगे। तो ऐसे करके हम इसको सिल देंगे और सिलने के बाद हम इस तरीके से ये हमारी पट्टी आ जाएगी। तो ये हमारा बंद कवर हो जाएगा। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये हो गया है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से बाद में ढक जाएगा। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ से हम पिनअप करेंगे। ये जो जिप है इसको थोड़ा अंदर को खींच के बाद में हम यहाँ से भी इसको पिनअप करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पिनअप हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 3 इंच हमने इधर से ले लिया और 3 इंच हमने इधर से ले लिया। तो हम पहले देख लेते हैं पीस को लगा के, जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा हम उसके बाद में कट कर देंगे। तो हमें अब क्या करना है फ्रेंड्स, तो हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। यहाँ से इसको बंद करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। यहाँ हमें डबल कर देनी है, यहाँ हम दो बार सिलाई लगाएंगे ऐसे करके और ऐसे निकाल देंगे। इधर भी हमें ऐसे करना है फ्रेंड्स, हम इधर से सिलाई लगाएंगे, इधर दो बार करके इधर से निकाल देंगे। तो मैं ये आपको सिल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये जिप तैयार हो गई है। यहाँ से हमने बंद कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पीस को लेंगे, अब हम इसको उल्टा करके रखेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसको बिछा लिया है। अब हम इस पर पिनअप कर देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमें इसको सिलना है, हमें इसको चारों तरफ से सिलना है फ्रेंड्स। और जो ये हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर दें। तो हम सिल लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सिल गया है। अब क्या करेंगे, हम इसके थोड़े थोड़े कोने काट देंगे, ताकि हमें जब इसे ओपन करें तो हमें यहाँ से इसके कोने निकालने में आसानी हो। तो ये देखें, हमने इसके कोने कट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जिप को खोलेंगे। तो मैं खोल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जिप ओपन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पलट देंगे। तो मैं इसको पलट के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसको मैं अच्छे से ओपन कर लेती हूँ फ्रेंड, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ओपन कर लिया है और इसमें मैंने अपना एक पिलो कवर पिलो डाल दिया है। तो देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसके साथ में किनारी सी बना लीजिए, पर मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो मैंने ऐसे ही सुंदर सा ही बना लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी ऐसे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाइए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।